शाहजहांपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, मंडा में जेट्रोफा बीज खाने से 12 स्कूली बच्चे हुए बीमार। जनपद के बेसिक शिक्षा विभाग में उस समय हड़कंप मच गया जब विकास खंड बंडा अंतर्गत ग्राम ढुकरी बुजुर्ग के प्राथमिक विद्यालय के बच्चों ने बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए लगाए जाने वाले जेट्रोफा पेड़ के बीजों का सेवन कर लिया, जिससे स्कूल के करीब एक दर्जन बच्चे उल्टियों और दस्तों से परेशान होकर अचेत हो गए, जिन्हें तत्काल प्रभाव से बेसिक शिक्षा अधिकारी ने CSC पर भर्ती कराया और वहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। चिकित्सकों के अनुसार सभी की हालत खतरे से बाहर है। उसका क्या नाम है? कैसे खा लिया? क्या स्कूल गए पढ़ने थे? उन्होंने कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? ये सरकारी जूनियर। क्या नाम है स्कूल का? कौन से गांव में? ढुकरी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर पंटी उंटी नहीं तो हम तो खेत पे, तो हमें खेत पर बुला होगा तो हम आए। तो क्या करा इन बच्चों ने, क्या खा लिया? इन्हें बताओ तो, जो डीजल पेड़ है तो उसमें अंडी होती है, पहले खाए फल। लगभग ये सारे बच्चे आप ही के गाँव के? हाँ, सब हमारे गाँव के। तो मौके पे कौन कौन पहुंच गया था? पढ़ा नहीं, जब मास्टर आ नहीं पाया तो बच्चा पहुंच गया। इन्हें खेल तोड़े फल खाए तो एक दो बच्चे ने नथा मन लगा, तो बच्चे ने बताओ घर आई तो देखो वहाँ फल खाए तो ये भाई अंडी होती डीजल वाले पेड़ है तो नथा भी वो बात करने तो सब ना जाने, सब लोग लाए अपने अपने बच्चे। लगभग कितने क्या बच्चे होंगे? नहीं, 15-20 होते हैं बच्चे। 15-20 होते हैं? तो छुट्टी से वापसी आ रहे थे? वापसी आई गए, मास्टर आए नहीं पाए, लेट आए मास्टर, लेट आए। हाँ, 13 माह बच्चा पहले पहुँच गया था। कौन? अच्छा, स्कूल बच्चे 8 बजे पहुँच गए, 9 बजे पहुँचे। अच्छा जी, सर आज जो है ढुकरी बुजुर्ग पार्क में जा रहे हैं, तो बड़ा ब्लॉक है वहाँ से खाना व्यापक किया, बच्चों ने जेट्रोफा का बीज खा लिया है, जिसके कारण उनको उल्टी की शिकायत है, तो हमने तुरंत उनको CSC भिजवाया था और CSC भेजने के बाद हमने ये बंडा ब्लॉक में एक ढुकरी गांव है, वहाँ से बच्चे स्कूल गए थे मॉर्निंग में, वहाँ से जेट्रोफा का बीज होता है उसका बच्चों ने खाया, और उसके बाद में वो जब स्कूल पहुँचे तो वहाँ से उनको कुछ वोमिटिंग चालू हो गई और पेट में दर्द भी महसूस हुई, तो उसके बाद में उनको CSC पे रेफर किया गया। CSC पे वहाँ पे फर्स्ट एड दिया गया, उसके बाद में उनको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर कर दिया। 12 बच्चे आ गए हैं यहाँ पे और उसमें से कोई किसी की भी हालत चिंताजनक नहीं है, ट्रीटमेंट चल रहा है और अभी जब प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाए उसके बाद बताया जा सकता है कि एक्सपर्ट।